ये मायूअर है, प्लाई शेड नहीं है। प्लाई शेड में भाई मालूम नहीं पड़ता उतना, लेकिन जितना इसमें मालूम पड़ रहा है ये तो कुछ ज़्यादा ही मालूम पड़ रहा है। तो बहुत ज़्यादा इस वक्त गर्मी देखने को मिल रही है और भाई कॉन्क्रीट है स्लैब में। हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल, अनदर न्यू वीडियो। तो गाइस कैसे हो आप सभी लोग। तो मैं आ चुका हूँ भाई साइट पे, और भाई आज के दिन इतनी गर्मी पड़ रही है भाई मत को, क्योंकि आज देखा जाए तो 30 डिग्री 35 डिग्री तो कॉमन है, लेकिन इसमें भी गर्मी रहती है। लेकिन गर्मी क्यों लगती है इसके भाई रीज़न दूंगा आप सभी को। लेकिन यहाँ पे देख लो भाई, मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, हवा भी ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है। और गर्मी किस रीज़न से इतनी ज़्यादा लग रही है वो मैं आप सभी को बताऊंगा। गर्मी इसलिए लग रहा है ना क्योंकि भाई अभी कैसा है कि मायवन शेड है। मायवन शेड जो उतना स्लैब में देखने को मिलता है, मायवन शेड नहीं देखे तो मैं दिखा देता हूँ आप सभी को उसके कारण कितनी ज़्यादा गर्मी लगती है, जिसकी वजह से आदमी बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। लेकिन हम उससे पहले क्या करते हैं ना, चलते हैं स्लैब में, वहीं से दिखाते हैं। और यहाँ पे भाई एक क्रेन है जो मैं चलते हुए देखा, और मैंने सोचा नहीं था कि वो क्रेन चलेगा भी, ये सामने देखने को मिल रहा होगा, लेकिन वो भाई चल रहा है। और बहुत समय से देखा कि नहीं चल रहा था, ये सामने में दिख रहा है, ये भाई उसकी ट्रॉली बहुत ज़्यादा आउट में है, देख रहे हुक डाउन किया हुआ है, यानी कि काम कर रहा है वो क्रेन। और इसी के साथ हम चलते हैं स्लैब में चलते हैं, वही सारी बातें करते हैं। तो इसी के साथ ऊपर फ्लोर में आते हैं और ये ओनिरल लिखा हुआ है, तो हम यहाँ से जाते हैं अंदर के साइड। यहाँ पे कुछ अलग चीज़ें देखने को मिलेगी। ये वो फ्लोर है जहाँ पे आप टॉयलेट जा सकते हो अगर यहाँ पे काम कर रहे हो तो, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते हैं। हालांकि मेरे भी अगर देखोगे तो मैं खुद भी फॉलो नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि खड़े खड़े नहीं कर पाते भाई। तो यहाँ से वाइब देखते हैं और फिर इसी के साथ मुझे जाना होगा ऊपर के फ्लोर पे। तो कैसा लगा यहाँ के नज़ारे। और इसी के साथ हम पहुँच जाते हैं टॉप फ्लोर पे, जहाँ पे लास्ट मायवन देखने को मिलती है। और यहाँ से पूरी की पूरी खाली लॉबी देखने को मिलती है, क्योंकि कोई है ही नहीं, क्योंकि सब खाने का टाइम वक्त हो चुका है। और यहाँ से देखने को मिलता है हमारा क्रेन के केबल, जो कैमराज के केबल हैं, हालांकि काम नहीं करते भाई, बहुत दिक्कत है। और क्रेन की हाइट बिल्कुल भी कम हो चुकी है। तो भाई इसी के साथ आ चुके हैं क्रेन पे, और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, मायवन का दुख भाई किसी को नहीं देखा जा रहा है, वो मायवन इस साइड में है, हमने आपको अभी दिखाया है। तो यहाँ स्लैब से देखो, ये जो दिख रहा है ये वाइट वाइट दिख रहा है, ये वाइट वाइट दिख रहा है, ये मायवन है, प्लाई शेड नहीं है। प्लाई शेड में भाई मालूम नहीं पड़ता उतना, लेकिन जितना इसमें मालूम पड़ रहा है ये तो कुछ ज़्यादा ही मालूम पड़ रहा है। तो बहुत ज़्यादा इस वक्त गर्मी देखने को मिल रही है, और भाई कॉन्क्रीट है स्लैब में, थोड़ा सा कॉन्क्रीट बाकी है। इस साइड में जो दिख रहा है खाली खाली सा, वो मुझे कॉन्क्रीट करना पड़ेगा। अभी चलते हैं केबिन में, वहीं सारी बातें बताते हैं और करेंट को करते हैं स्टार्ट, क्योंकि आ चुकी है कॉन्क्रीट भाई, स्लैब कॉन्क्रीट थोड़ी सी होगी, कॉन्क्रीट बाकी रह गया है। मायवन शेड आपको सही से दिखा देते हैं, यह है मायवन शेड और क्रेन की हाइट देखो। इसी के साथ क्रेन पे आ चुके हैं, क्रेन होगा अब स्टार्ट। मैं चुपचाप से बिल्कुल भी केबिन में आ चुका हूँ, और यहाँ से हम करते हैं स्टार्ट, क्योंकि कॉन्क्रीट आ गया भाई, ये हमने स्टार्ट कर दी है। और यहाँ पे लॉक खुला है, अब हम इसे घुमाते हैं भाई और साथ में ट्रॉली आउट करते हैं। तो यहाँ पे क्रेन स्टार्ट हो चुका है, ट्रॉली आउट होने लग गई है, अब आएगा कॉन्क्रीट बकेट, तो हम करेंगे कॉन्क्रीट भराई। और इसी के साथ गर्मी भाई बहुत ज्यादा लग रहा है, गर्मी बोले तो बहुत ज्यादा लग रहा है, और मैं हेलमेट भी नहीं खोला हुआ, तो अभी मुझे हेलमेट खोलना पड़ेगा। और साथ ही साथ एसी भी हमने स्टार्ट कर दिया, तो थोड़ा ठीक लग रहा है, उतना बुरा भी नहीं लग रहा है। अभी वो सिग्नल देगा, ये ऑकी टॉकी है यहाँ बाजू में, तो इसी के साथ वो सिग्नल देता है, वरना भाई फोन पे तो सिग्नल हो नहीं सकता है। तो ये चीजें हमने घुमा के दूसरे डायरेक्शन में घुमा लिए हैं, इसी के साथ अभी ये सिग्नल देगा। अब देखो ये जैसा बोला वैसे ये जगह पे रुक गया, आउट चालू है, अब डाउन करेंगे। तो हम करते हैं फोन बंद। अगर हम यहाँ से बाहर की ओर देखते हैं तो भाई स्लैब देखने को मिलती है, मायवन का शेड है, लेकिन भाई क्रेन भाई बहुत ज्यादा डाउन देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब होगा क्रेन हाइट, क्रेन लिफ्टिंग। और ये जो व्हाइट व्हाइट मायवन दिख रही है भाई, ये बड़ा खतरनाक है गर्मी में। और जैसे कि मान लेते 30 डिग्री गर्मी है ना, तो ये चीजें समझ लो, इसमें ऑयल वगैरह लगा रहेगा,
इसकी लेके भाई गर्मी और ज्यादा बढ़ जाता है क्योंकि वो प्लेट है, हीट होता है, और जब हीट होएगा ना वो जब 33 डिग्री ऐसे नॉर्मल गर्मी रहेगा तो समझ लो कि 5-7 डिग्री और बढ़ जाएगा उसके गर्मी के कारण, क्योंकि इस पे तेल लगेगा, माइमन प्लेट है, एल्युमिनियम है, हीट बहुत ज्यादा मारता है, तो भाई अच्छा अच्छों का हालत खराब हो जाता है। क्योंकि इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जो फिटर होते हैं, कारपेंटर होते हैं, वही ये सारी चीजें काम करते हैं। कभी कभी फिटर को दिक्कतें आती हैं, कभी कभी कारपेंटर को भी दिक्कतें आती हैं, ऐसे सिचुएशन में उनकी हालत खराब हो जाएगी। और जो सरिया होता है ना, लोखन, सरिया बोल रहे हो, रड देखा होगा आपने, तो वो भाई उठाने में उनकी हालत खराब हो जाती है। सोचो कैसे करते होंगे, हैंड ग्लव्स लेते होंगे तो भी भाई समझ सकते हो कि कितना गर्मी रहता होगा। तो ऐसे ऐसे काम रहते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में जिसमें कि बहुत ज्यादा हार्ड रहता है, पैसे कम मिलते हैं, मेहनत ज्यादा रहते हैं, गर्मी से हालत खराब होती है, बहुत सारे रीजंस आते हैं ना, तो दिक्कतें बहुत ज्यादा आती हैं। तो गाइस इसी के साथ हो जाता है काम खत्म क्योंकि हो चुका है शाम, और भाई दिन भर बहुत अच्छा खासा काम हुआ है, लोड भी लगभग बहुत ज्यादा उठा है भाई। बोला जाए तो एक गाड़ी कॉन्क्रीट था चौक की, 7 टेम्पू का था, लगभग भाई 10 बकेट से भी ज़्यादा, और कंक्रीट तो थी, साथ ही साथ सरिया का भी लोड। देखो नाइट में कैसा सीन देखने को मिलता है, नाइट में और थोड़ा ठंडा ठंडा भी मिल रहा है, लग रहा है, और सामने चांद भी है और बिल्डिंग्स में मतलब ठीक ठाक है। भाई अभी गरबा का समय चल रहा है तो यहाँ पे इस साइड की जो बिल्डिंग दिख रही है, इधर गरबा कितने लोग को पता होगा, गरबा जो कि डांडिया बोलते हैं, डांडिया भी खेलते हैं उसमें, तो ऐसा होता है। यह भाई बिल्डिंग है जो कंप्लीट करने के बाद छोड़ दिया है, तो इसमें हो सकता है कल हाथ लगाएगा। और भाई सामने से तो हम चलते हैं नीचे, और नीचे होगा नाश्ता पानी। शाम होने के बाद भाई नाश्ता पानी लगता है, रूम पे जाना पड़ता है, छुट्टी करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें, तो नीचे जाते हैं और बाकी सारी चीज़ें करते हैं, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, और देख लो भाई क्रेन, क्रेन देखने को मिल रहा है, क्रेन है, और यहाँ से देखने को मिल रहा होगा बिल्डिंग्स वगैरह। भाई ये सामने हमने ग्रेसिंग किया था, आप सभी ने ग्रेसिंग का वीडियो देख लिया होगा। तो हम जाते हैं, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।